वेलकम डियर स्टूडेंट, आज के टॉपिक का नाम है कंपाउंड माइक्रोस्कोप। इसकी हम बात करेंगे और आपसे कहूंगा मैं कंपाउंड माइक्रोस्कोप देखने से पहले अगर आपने सिंपल माइक्रोस्कोप नहीं देखा है तो जाके वो सिंपल माइक्रोस्कोप का वीडियो जरूर देखें। इवन सिंपल माइक्रोस्कोप से पहले ह्यूमन आई का बेसिक स्ट्रक्चर जानना भी बहुत जरूरी होता है। तो उम्मीद करता हूँ कंपाउंड माइक्रोस्कोप को देखने वाला बच्चा अगर सिंपल माइक्रोस्कोप नहीं जानता है तो वो देख के ही इस वीडियो को आगे कंटिन्यू करेगा, क्योंकि कंपाउंड माइक्रोस्कोप में जो लेंस वाला पार्ट है उसमें एक लेंस, आगे जो मैं डिस्कशन करूंगा, एक लेंस सिंपल माइक्रोस्कोप की तरह बिहेव करता है। तो पहला क्वेश्चन आता है कंपाउंड माइक्रोस्कोप की जरूरत क्या पड़ी, रीजन सिंपल सी बात है, मैग्निफिकेशन अगर 4 times से ज्यादा चाहिए, अच्छा चाहिए। वैसे तो एनसीईआरटी की किताब में लेस देन और इक्वल टू 9 times मैग्निफिकेशन दिया है सिंपल माइक्रोस्कोप का, लेकिन बेहतर तरीके से 4 times ही हो पाता है। तो 9 गुने से ज्यादा या 4 गुने से बेहतर तरीके से आपको मैग्निफिकेशन चाहिए तो यहाँ पे कंपाउंड माइक्रोस्कोप यूज करते हैं। अच्छा, सिंपल माइक्रोस्कोप में क्या होता था, सिंगल लेंस यूज होता था। कंपाउंड में क्या होता है, 2 लेंस यूज होते हैं। सिंपल माइक्रोस्कोप में एक सिंगल लेंस यूज होता था, कंपाउंड माइक्रोस्कोप में 2 लेंस यूज होते हैं। 2 लेंस जो होते हैं उसमें से एक कहलाता है ऑब्जेक्टिव, दूसरा कहलाता है आईपीस। एक लेंस को कहते हैं ऑब्जेक्टिव लेंस और दूसरा लेंस कहलाता है आईपीस लेंस। चलिए देखिए, समझते हैं पहले स्ट्रक्चर। इसमें एक छोटा लेंस रहता है, छोटे लेंस के सामने किसी ऑब्जेक्ट को रखा आपने, ठीक है, उस ऑब्जेक्ट से लाइट रे कुछ इस तरह से पास हुई, ठीक है, इसे कहा जाता है ऑब्जेक्टिव लेंस। हुआ ऐसा, यहां से जब यहां से पास हो रही है तो हम कहेंगे एफ ओ, फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव। ये हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट एच, हाइट ऑफ इमेज एच डैश, जिसे मैं कह रहा हूं बी डैश ए डैश। एक लाइट रे ऑप्टिकल सेंटर से पास हुई, ठीक है, यहां पर बनने वाली इमेज ये बी डैश ए डैश, जिसका बी डबल डैश और ए डबल डैश। अच्छा, फर्स्ट केस में डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट यहां से यहां तक, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, ये नहीं डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट नहीं, डिस्टेंस ऑफ इमेज, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस यू, डिस्टेंस ऑफ इमेज वी नॉट। अच्छा, इस पहले ऑब्जेक्टिव लेंस के लिए जाने वाली रे, ये जो लेंस है इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं आईपीस। समझने पे ध्यान देना, ऑब्जेक्टिव लेंस के लिए जाने वाली रे आईपीस लेंस के लिए आने वाली रे है। अच्छा, ऑब्जेक्टिव के लिए, वापस सुनना, ऑब्जेक्टिव के लिए कौन सी रेस जाने वाली, ठीक है, आईपीस के लिए, आईपीस के लिए कौन सी रेस आने वाली। आने वाली मतलब क्या, ऑब्जेक्ट, और जाने वाली मतलब क्या, इमेज। तो मैं कह सकता हूं ऑब्जेक्टिव लेंस की इमेज आईपीस लेंस के लिए किसका काम करेगी, ऑब्जेक्ट का काम करेगी। तो ये हो गई ऑब्जेक्ट का काम, ऑब्जेक्ट का काम मतलब यूवी डिस्टेंस आ चुकी है, ठीक है ना स्टूडेंट्स। तो यहां देखिएगा एफ ओ, फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव, फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव। अच्छा, एफ ई क्या है, एफ ई को हम कह रहे हैं फोकल लेंथ ऑफ आईपीस, फोकल लेंथ ऑफ आईपीस। अब वापस समझने पे ध्यान देना, वीओ क्या है, डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम ऑब्जेक्टिव, डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम ऑब्जेक्टिव। वापस समझने पे ध्यान दीजिएगा, यूई क्या आपके पास में, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम आईपीस, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम आईपीस, आईपीस के बीच का ये डिस्टेंस कहलाता है। अच्छा, आप ये मुझे बताइए, ये रहा ऑब्जेक्टिव लेंस, ये रहा आईपीस लेंस, दोनों के बीच का लेंथ, तो उसे कहते हैं लेंथ ऑफ ट्यूब, कैपिटल एल, वी नॉट प्लस यूवी, क्या कहलाता है, डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्टिव एंड आईपीस लेंस। ऑब्जेक्टिव और आईपीस के बीच का जो डिस्टेंस कहलाता है उसे हम कहते हैं लेंथ ऑफ ट्यूब, क्या कहते हैं, लेंथ ऑफ, कंपाउंड माइक्रोस्कोप भी कहते हैं, लेंथ ऑफ ट्यूब भी कहते हैं। यहां से यहां तक आप देख सकते हैं एफ ओ, फोकल लेंथ, और यहां मैं कह देता हूं एफ ई, आईपीस। अच्छा, ऑब्जेक्टिव लेंस कैसा काम करता है,
लीनियर मैग्नीफायर, मैग्नीफायर मतलब ये लीनियर मैग्निफिकेशन प्रोवाइड कर रहा होता है, और आईपीस लेंस कैसा काम कर रहा होता है। तो आईपीस देखो बेटा, ऑब्जेक्टिव पहली बात तो ऑब्जेक्टिव की फोकल लेंथ की बात करते हैं, ये स्मॉल होती है ठीक है, और ये वन से काफी छोटी होती है, लेस देन वन सेंटीमीटर, वन मीटर से भी काफी छोटी होती है, हम ये कह सकते हैं काफी छोटी वैल्यू होती है ऑब्जेक्टिव की। काम क्या करता है, तो लीनियर मैग्नीफायर की तरह काम करता है, लीनियर मैग्नीफायर की तरह काम करता है। आईपीस क्या काम करता है, आईपीस एक्ट एज अ सिंपल माइक्रोस्कोप, सिंपल माइक्रोस्कोप की तरह काम करने वाला जो होता है उसे हम कहते हैं आईपीस। अब सिंपल माइक्रोस्कोप के दो केस बता चुका हूं, है ना, जो फाइनल इमेज फॉर्मेट इनफिनिटी, फाइनल इमेज फॉर्मेट डीडीवी होता है। चलिए अब इसकी मैग्नीफाइंग पावर के बारे में समझते हैं, लेट अस टॉक अबाउट द मैग्नीफाइंग पावर। तो मैग्नीफाइंग पावर क्या डिफाइन की जाती है, मान लो ये एंगल अल्फा है, ये एंगल अल्फा है, ये एंगल बीटा है, सो मैग्नीफाइंग पावर ये डिफाइन की जाती है 10 बीटा अपॉन 10 अल्फा, या ऐसा मैं कह सकता हूं इमेज एंगल सबटेंडेड बाय इमेज एट आई, एंगल सबटेंडेड बाय इमेज एट आईपीस टू द एंगल सबटेंडेड बाय ऑब्जेक्ट, एंगल सबटेंडेड बाय ऑब्जेक्ट एट डीडीवी, डीडीवी मतलब 25 सेंटीमीटर पर रखा जाए बिना ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट की मदद से देखा जाए, मतलब जैसे मैं मान लो कि मैं किसी ऑब्जेक्ट को देखता हूं तो मैं 25 सेंटीमीटर पर रख के इसको देख सकता हूं, ये काफी अच्छा मुझे नजर आने वाला है। तो मान लो मैंने हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट बोला, ये रहा आपके पास में ए बी, ये रहा एच, 25 सेंटीमीटर की बात रही अल्फा, ये रहा बनने वाला अल्फा, मुझे दिख रहा है 25 सेंटीमीटर पर एकदम सही, या इसे कह सकता हूं नियर पॉइंट पर सही दिख रहा है, इसे मैं कहता हूं डीडीवी, डीडीवी मतलब डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्शन। तो इसे लिखा जा सकता है 10 अल्फा इक्वल टू एच अपॉन डी। अच्छा 10 बीटा यहां पर चेक कीजिएगा, 10 बीटा ये रहा आपके पास ऑप्टिकल सेंटर, 10 बीटा के लिए वाला ट्रायंगल चेक कीजिए, दिस इज द यूई ठीक है, ये हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ये हाइट ऑफ इमेज एच डैश, ये रहा आपके पास में बीटा, क्योंकि भाई इमेज कहां पर फॉर्म हो रही है, तो आईपीस पे फॉर्म हो रही है। ऑब्जेक्ट से लाइट रे चली, ट्रेवल की, इंटरमीडिएट इमेज बनी, ये छोटा था ये बड़ा दिखा, छोटे से बड़ा दिखा, अब बड़े से ये और बड़ा दिखा, क्यों बड़ा दिखा, क्योंकि ये सिंपल माइक्रोस्कोप की तरह काम कर रहा है, मतलब हमने सेटिंग इस तरह से कर रखी है कि ये जो डिस्टेंस है वी नॉट है ये एफ ई के अंदर आ रही है। देखो मैंने सिंपल माइक्रोस्कोप पढ़ाते समय क्या बताया था, कि अगर किसी ऑब्जेक्ट को ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में रखा जाए, अगर किसी ऑब्जेक्ट को कहां पे रखा जाए, ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में रखा जाए, तो इमेज सेम साइड बनती है, वर्चुअल बनती है, इरेक्ट बनती है, मैग्नीफाइड बनती है और इनलार्ज बनती है, मतलब मैग्नीफाइड या इनलार्ज बात एक ही है। तो यहां बीटा, यहां एच डैश, यहां बीटा, यहां एच डैश, तो 10 बीटा क्या निकालोगे, 10 बीटा निकालोगे एच डैश अपॉन यूई, एच डैश अपॉन यूई, चलो रख देते हैं वैल्यू, पुट अप कर देते हैं। तो चलिए 10 बीटा मतलब क्या आया, एच डैश अपॉन यूई। अच्छा 10 अल्फा क्या आया, एच अपॉन डी आया। अब इसे क्या लिख सकते हैं, आप समझिएगा ध्यान से, एच डैश अपॉन यूई डी अपॉन एच। सो मैग्नीफाइंग पावर ये आ गया आपके पास एच डैश अपॉन एच इंटू डी अपॉन यूई, डी अपॉन यूई, ऐसा से लिखा जा सकता है। मैग्नीफाइंग पावर आपके पास में इस तरह से निकल कर आ गई है। देखो फर्क क्या पड़ने वाला है, यहां पे एच डैश अपॉन एच फॉर बाय कॉन्वेक्स ऑब्जेक्टिव, ठीक है, ऑब्जेक्टिव लेंस के लिए देखो डायग्राम, यहां से यहां तक ऑब्जेक्टिव लेंस में ए बी ऐसा था, इमेज कुछ फॉर्म हुआ, ये बना बी डैश ए डैश, ये हुआ आपके पास में यू नॉट, और ये रहा आपके पास में वी नॉट। मैग्नीफाइंग पावर ये एच, ये आपके पास में एच डैश, वी नॉट अपॉन यू नॉट इक्वल टू एच डैश अपॉन एच, ठीक है ना। तो आप यहां पे देख भी सकते हैं, यू नॉट विथ नेगेटिव साइन, वी नॉट ऑप्टिकल सेंटर से लेफ्ट मतलब नेगेटिव, ऑप्टिकल सेंटर से राइट मतलब पॉजिटिव, तो हम ये कह सकते हैं वी नॉट अपॉन यू नॉट कैन बी रिटर्न एच डैश अपॉन एच नॉट, या एच सिंपल विथ नेगेटिव साइन। तो आप चाहें तो आप मैग्नीफाइंग पावर को इस तरीके से भी लिख सकते हैं, माइनस वी नॉट अपॉन यू नॉट डी अपॉन यू ई, डी अपॉन यू ई।
जब आप देखिए सीबीएसई बोर्ड की किताब, एनसीईआरटी या कोई दूसरी किताब, कोई भी किताब देखेंगे या कोई भी आपके स्टेट बोर्ड की बुक देखेंगे, तो आपको सीधा मिलने वाला है, ये आपके पास हो गया माइनस वी नॉट अपॉन यू नॉट डी अपॉन यूई, डी अपॉन यूई। चलिए इससे फर्क क्या पड़ा, इससे लिखा गया एम नॉट, एम नॉट, और इसे लिखा गया एम ई। तो एमओ का मतलब हुआ मैग्नीफाइंग पावर ऑफ ऑब्जेक्टिव, और एम ई का इसे हम कहेंगे मैग्नीफाइंग पावर ऑफ ऑब्जेक्टिव, मैग्नीफाइंग पावर ऑफ ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव की मैग्नीफाइंग पावर है, और एम ई को क्या लिखा जाएगा, मैग्नीफाइंग पावर ऑफ आईपीएस, आईपीएस की मैग्नीफाइंग पावर आपके पास में एक्सिस करती है। ठीक है ना बच्चों, ये मैग्नीफाइंग पावर ऑफ ऑब्जेक्टिव और ये मैग्नीफाइंग पावर ऑफ आईपीएस, इस पे फर्क पड़ने वाला है। चलिए मैं इस बात को यहां पे लिख देता हूं, m दैट इज इक्वल टू माइनस v नॉट अपॉन u नॉट d अपॉन ue, इसे ऐसा लिखा जा सकता है। देखिए सेकंड नंबर का जो लेंस है जिसे मैं आईपीएस लेंस कह रहा हूं, ये सिंपल माइक्रोस्कोप की तरह बिहेव करता है, और सिंपल माइक्रोस्कोप में दो केस होते हैं। क्या केस होता है, केस फर्स्ट, ये देखो ये आईपीएस की मैग्नीफाइंग पावर है। अब केस फर्स्ट ऐसा है व्हेन फाइनल इमेज फॉर्म एट इंफिनिटी, फाइनल इमेज फॉर्म एट इंफिनिटी, मतलब फाइनल इमेज इंफिनिटी पे फॉर्म हो, मतलब क्या भाई, इसको जो दिखे वो लाइट रे पैरेलल जाती हुई लाइट रे दिखे इस तरह से, फाइनल इमेज फॉर्म एट इंफिनिटी, तो v इक्वल टू माइनस इंफिनिटी। अच्छा दिख कहां पर रही है, आईपीएस पे दिख रही है, तो लेंस फार्मूला कहां लगाएंगे, आईपीएस पे, 1 अपॉन f इक्वल टू 1 अपॉन v माइनस 1 अपॉन u, आईपीएस आईपीएस आईपीएस, सो 1 अपॉन f e, 1 अपॉन v e, मतलब आईपीएस पे फोकल लेंथ, सो 1 अपॉन इंफिनिटी माइनस 1 अपॉन u e, तो u e की वैल्यू आपके पास में निकल कर आ जाती है f e, मॉड की हम बात करें, सो u e की वैल्यू आ गई आपके पास में f e, तो मैग्नीफाइंग पावर आ जाएगा आपके पास में माइनस वी नॉट अपॉन यू नॉट नाउ डी अपॉन एफ ई, इसे ऐसा लिखा जा सकता है माइनस वी नॉट अपॉन यू नॉट माइनस डी अपॉन एफ ई। अच्छा लेंथ ऑफ ट्यूब क्या आएगा, लेंथ ऑफ ट्यूब क्या फॉर्मूला क्या था, मॉड वी ओ प्लस मॉड यू ई। अब ये देखो यहां पर मॉड यू ई कितना आया, मॉड यू ई एफ ई के इक्वल आया, सो एल इक्वल टू मॉड वी ओ प्लस मॉड यू ई, तो लेंथ आ चुका है आपके पास में यू ओ प्लस वी ओ प्लस यू ई, ये आ चुका है आपके पास में लेंथ ऑफ ट्यूब। लेंथ ऑफ ट्यूब आने के बाद में इसका डायग्राम देख लेते हैं, हाउ द डायग्राम विल मेक, किस तरह से डायग्राम बनाया जाएगा या डायग्राम कैसा होगा आपके पास में, तो चलिए डायग्राम देखते हैं उसके बाद हमें समझ में आएगा। ये सिंपल माइक्रोस्कोप, छोटा लेंस ए बी, यहां से लाइट रे ऐसी थी, से करस्पॉन्डिंग बी डैश ए डैश, ये एच, ये एच डैश, यहां से यहां तक ये आपके पास, दिस इज वी नॉट एंड दिस इज यू ई, दैट इज इक्वल टू एफ ई, मतलब इसके लिए जो जाने वाली इमेज है वो इसके फोकस पे बननी चाहिए, यू ई दैट शुड बी इक्वल टू एफ ई, तो जो इमेज है आप देख सकते हैं, ठीक है, तो जब भी पैरेलल लाइट रेज आती है तो कहां से आती है, इन्फिनिटी से आती है, तो डायग्राम बन जाता है आपके पास में, लेंथ ऑफ ट्यूब का डायग्राम बन जाता है। आइए ये देखिए मैग्नीफाइंग पावर आ गया आपके पास में माइनस वी नॉट अपॉन यू नॉट डी अपॉन एफ ई, लेंथ ऑफ ट्यूब आ चुकी है वी नॉट प्लस यू ई, मॉड यू ई को आप लिख सकते हैं मॉड एफ ई, तो हम लिख सकते हैं मॉड एफ ई, क्या आ गया आपके पास, ठीक है। अब दूसरा केस कौन सा है, जब फाइनल इमेज फॉर्मेट डी डी वी, केस नंबर फर्स्ट हमने समझ लिया, जब फाइनल इमेज कहां पर फॉर्म होती है, इन्फिनिटी पे फॉर्म होती है, और केस नंबर सेकंड हम समझ लेते हैं व्हेन फाइनल इमेज फॉर्मेट, when final image form at DDV, so v की value आईपीएस के comparison में
माइनस डी मिलना चाहिए, वन अपॉन एफ इक्वल टू वन अपॉन वी ई माइनस वन अपॉन यू ई, वन अपॉन यू ई, वन अपॉन वी ई प्लस माइनस वन अपॉन एफ ई. सो वन अपॉन यू ई कैन बी रिटर्न एफ ई माइनस वी ई, एफ ई इंटू वी ई, एफ ई इंटू वी ई, एफ ई माइनस वी ई. सो माइनस डी एफ ई अपॉन एफ ई प्लस डी, ऐसा लिखा जा सकता है ना. तो मॉड निकाला जाए तो मॉड कैसे निकाला जाएगा, माइनस डी एफ ई, डी प्लस एफ ई, यू ई की वैल्यू आ गई डी एफ ई अपॉन डी प्लस एफ ई. चलिए अब देखते हैं हम लोग मैग्नीफाइंग पावर कैसे निकाला जाएगा. मैग्नीफाइंग पावर अभी मैंने बताया था एमओ इंटू एम ई माइनस वी नॉट अपॉन यू नॉट डी अपॉन यू ई लिखा जाता है. मैं मॉड की बात कर रहा हूं, टॉकिंग अबाउट द मॉड. अब इस केस में क्या हो जाएगा आपके पास में, देखो ध्यान से, माइनस वी नॉट अपॉन यू नॉट डी अपॉन यू ई. चलिए डी अपॉन यू ई की वैल्यू चाहिए तो मैं यहीं से निकाल लेता हूं, डी अपॉन यू ई, डी अपॉन यू ई दैट विल बिकम डी प्लस एफ. देखिए यहां पर डी अपॉन यू ई की वैल्यू आ गई डी प्लस एफ ई अपॉन एफ ई. तो डी अपॉन यू ई डी प्लस एफ ई अपॉन मतलब वन प्लस डी अपॉन एफ ई आ जाता है, वन प्लस डी अपॉन एफ ई आ जाता है. ठीक है, जैसे ये रखा तो डी अपॉन यू ई को ऐसा लिख सकते हैं आप, वन प्लस डी अपॉन एफ ई, इसे ऐसा लिखा जा सकता है. अब बच्चों एक बात और नोटिस करना, हमें लेंथ ऑफ ट्यूब चाहिए इस केस के लिए, इफ यू वॉन्ट लेंथ ऑफ ट्यूब फॉर दिस केस. तो लेंथ ऑफ ट्यूब की वैल्यू क्या बताई थी मैंने आप लोगों को, लेंथ ऑफ ट्यूब बताया था यू ई और इसका मॉड. तो वी ओ प्लस यू ई कितना है आपके पास में, चेक करो, डी एफ ई अपॉन डी प्लस एफ ई, इसे ऐसा लिखा जाने वाला है. सो एल इक्वल टू आ जाएगा आपके पास में वी नॉट प्लस डी एफ ई अपॉन डी प्लस एफ ई. देखिए क्वेश्चन यहां से तो फ्रेम होते ही होते हैं, इसके अलावा एक जगह से और क्वेश्चन फ्रेम होते हैं, वो आपको मैग्नीफाइंग पावर को लेंथ ऑफ ट्यूब के फॉर्म में एक्सप्रेस करवाना चाहता है. Want to express magnifying power in the term of length of tube. तो length of tube के term में magnifying power कैसे express की जाएगी? तो चलो पहले देखा, बता देता हूँ आप लोगों को मैं. बात ऐसी है कि पहले magnifying power को हमने लिखा MO multiply by ME. तो MO को क्या लिखा? Minus V naught upon U naught. ये लिखा D upon UE. ठीक है? अब यहाँ पर diagram फिर से बना रहा हूँ. Diagram ध्यान से देखना. ये छोटा AB बड़ा बना दिया. Linear magnifier. ये हो गया आपके पास में बी डैश, ये ए डैश, ये हाइट एच, ये हाइट ले ली एच डैश. अब हुआ ऐसा यहां से यहां तक ऊपर, ठीक है, अब मैग्नीफायर का डायग्राम देखना ध्यान से, जितना ऊपर उतना ऊपर यहां से, और इक्वल डिस्टेंस पर हम थोड़ा हाइट ले लेते हैं, मेंटेन कर लेते हैं हाइट, और हाइट मेंटेन करने के बाद में इसको कुछ इस तरह से फॉर्म कर लेते हैं. अब होता ऐसा है यहां से लाइट रे पास होती हुई ऐसी गई, ऐसी गई, ऑप्टिकल सेंटर से पास होने वाली लाइट रे बिना डिविएशन के पास होती है, ये बी डैश, तो ये बी डबल डैश, ये आपके पास में ए डबल डैश, इसको यहाँ से बैक साइड से आपने एक्सटेंड किया, बैक साइड से फिर से आपने एक्सटेंड किया यहाँ पर, ठीक है, ये लाइट रेस जाने वाली लाइट रेस. तो होता ऐसा है बच्चों, ये रहा एफ ओ, पहले यहां से यहां तक देखो VO, VO मतलब डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम ऑब्जेक्टिव, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम आईपीस, ये हो गया, ये आ गया आपके पास यहां से यहां तक FO. देखो हम एडजस्टमेंट ऐसा करते हैं कि ये जो VO की वैल्यू है ये बहुत क्लोजर टू ऑप्टिकल सेंटर हो, ये समझ के चलो कि ये FE है, FE मतलब फोकल लेंथ ऑफ आईपीस, FE. तो हम हमेशा एडजस्टमेंट ऐसा करते हैं क्योंकि ये सिंपल माइक्रोस्कोप की तरह बिहेव करता है, और कोई भी सिंपल माइक्रोस्कोप की तरह बिहेव तभी करता है जब ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में ऑब्जेक्ट डिस्टेंस रखा जाए. तो ये जो V नॉट और UE, ये आपको दिख रहा है L इक्वल टू V नॉट प्लस UE जो आपको दिख रहा है, बेसिकली इसमें V नॉट का ज्यादा कंट्रीब्यूशन होता है और UE बहुत छोटा हो रहा होता है ना. तो आप देखो यहां पर क्या बात है, ये सिंपल मैग्नीफायर यहां से यहां तक V नॉट, तो हमने कहा था M इक्वल टू एमओ वी नॉट अपॉन माइनस यू नॉट एच डैश अपॉन एच, ऐसा हम लिख चुके थे.
अब ये लिखने के बाद में आप और हम जानते हैं 1/FO इक्वल टू क्या लिखा जा सकता है, 1/VO माइनस 1/UO। तो मैग्नीफाइंग पावर की वैल्यू सिर्फ V0/U0 अगर लेनी हो, है ना, V0/U0 अगर लेनी हो, मैं दोनों तरफ क्या करता हूँ, मैं V0 का डिविजन कर देता हूँ। इससे फर्क क्या पड़ेगा, ये V0/U0 आ जाएगा, जिससे मैं कह दूंगा MO मैग्नीफाइंग पावर ऑफ 1 माइनस ये आ जाएगा V0/F0। बच्चों प्रैक्टिकली F0 की वैल्यू बहुत छोटी होती है, इसलिए प्रैक्टिकली जब किसी बड़ी वैल्यू को छोटी वैल्यू से डिवाइड किया जाए, बहुत छोटी, तो उसका आंसर बहुत बड़ा आ जाता है। मतलब ये 1 में से कोई बहुत बड़ी वैल्यू माइनस कर दो, 1 में से कोई बहुत बड़ी वैल्यू माइनस कर दो, तो नियरली इक्वल टू -V0/F0 लिखा जा सकता है। जैसे भाई 1001 में से अगर 1001 में से 1 सब्ट्रैक्ट कर दो तो 1000 आएगा, है ना, पर 1000 अगर बोला जाए 1001 में से 1 सब्ट्रैक्ट किया तो नियरली इक्वल टू 1000 जो आ रहा है वो नियरली इक्वल टू 1001 में कह सकता हूं, है ना। तो यहां पर 1-V0/F0 को नियरली इक्वल टू क्या लिखा जा सकता है, -V0/F0 लिखा जा सकता है। तो हम ये ऐसा लिख सकते हैं, मैग्नीफाइंग पावर को ऐसा एक्सप्रेस कर सकते हैं कि m इक्वल टू आपके पास था M0 into ME। सो M0 को क्या लिखा जा सकता है, 1 माइनस, एक तरीका तो है 1-F0/V0/F0 ME, या ऐसे ऐसा लिख दीजिए -V0/F0 into ME मैग्नीफाइंग पावर ऑफ IPS। और बच्चों जब अगर हम ये कहें कि V0 बहुत ज्यादा बड़ा है, मतलब मैक्सिमम इमेज जो बन रही है वो इसी के पास में बन रही है, तो मैं सीधा लिख सकता हूं कि V0 की वैल्यू नियरली इक्वल टू L लिखे जा सकती है। वापस सुनना, मैक्सिमम डिस्टेंस ऐसे एडजस्ट की जाती है कि ये जो इमेज इंटरमीडिएट इमेज बन रही है बिल्कुल पास में बने, बिल्कुल पास में बने, मतलब क्या बने, V0+U0 UE की वैल्यू नियरली इक्वल टू क्या हो जाए, V0 हो जाए। और V0 हो जाए मतलब लेंथ ऑफ टेलीस्कोप के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकता हूं, माइक्रोस्कोप के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। सो मैग्नीफाइंग पावर विल बिकम L/F0 into मैग्नीफाइंग पावर ऑफ IPS। अच्छा इसमें केस फर्स्ट, वापस से वही वाली बात आपके सामने कहानी, फाइनल इमेज फॉर्म एट इन्फिनिटी, तब ME IPS की मैग्नीफाइंग पावर D/FE हो जाता है, तब मैग्नीफाइंग पावर -L/F0 D/FE बनती है। अच्छा केस सेकंड, वापस इसमें दूसरा केस आपके पास में क्या निकल कर आता है, केस सेकंड निकल कर आता है जब फाइनल इमेज IPS के सामने -D DDV पर फॉर्म हो। अच्छा DDV पर फॉर्म हो तो फाइनली हम ये लिख सकते हैं -L/FE, और जब भी DDV पर फॉर्म होता है तो हम इसे लिखते हैं 1+D/FE। तो हमने लेंथ ऑफ ट्यूब के टर्म में भी मैग्नीफाइंग पावर को एक्सप्रेस कर लिया है। एक और बात, शुरुआत में जो ऑब्जेक्ट था, वापस देखना बेटा, शुरुआत में जो ऑब्जेक्ट था और बाद में जो ऑब्जेक्ट की इमेज बनी वो कैसे बनी, नोटिस करना, शुरुआत में छोटू लाल ये छोटा लेंस था आपके पास में, ये मान लो छोटा लेंस है, छोटे लेंस के सामने ऑब्जेक्ट वाई एक्सिस के पॉजिटिव पार्ट पर था, इंटरमीडिएट इमेज B'A' बनी, फाइनल इमेज जो बन रही थी वो बन रही थी B'A'। तो देखो भाई फाइनल इमेज इनिशियल के कंपैरिजन में अगर ये वाई एक्सिस के पॉजिटिव पार्ट पर है तो ये नेगेटिव पार्ट पर है, मतलब इन्वर्टेड इमेज है। सिंपल माइक्रोस्कोप के कंपैरिजन में देखा जाए, सिंपल माइक्रोस्कोप के कंपैरिजन में, तो जिस तरफ इमेज बनी ऑब्जेक्ट है उसी तरफ इमेज बन रही है, तो सिंपल माइक्रोस्कोप के कंपैरिजन में सेम साइड इमेज बनती है, पर इनिशियल ऑब्जेक्ट के ऑब्जेक्टिव के कंपैरिजन में इन्वर्टेड इमेज फाइनली ऑब्टेन हमें हो रही होती है। तो ये रही कंपाउंड माइक्रोस्कोप की फंक्शनिंग वर्किंग, इस पर बेस्ड कई प्रॉब्लम फ्रेम होते हैं। ठीक है बच्चों, अब कंपाउंड माइक्रोस्कोप कंप्लीट होने के बाद में नेक्स्ट टॉपिक आप और हम जो बात करेंगे वो बात करेंगे हम टेलीस्कोप के बारे में, टेलीस्कोप क्या होता है, टेलीस्कोप कैसे काम करता है, टेलीस्कोप कितने तरह का होता है, टेलीस्कोप की फंक्शनिंग कैसे होती है, उसकी मैग्नीफाइंग पावर कैसे डिफाइन की जाती है, ये नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग मुलाकात करेंगे और सीखेंगे। पुरोहित एकेडमी मेन ब्रांच प्रभात चौक MJ कॉलेज रोड लोकमान्य हॉस्पिटल च्या बाजूला जळगाव आणि पांडे क्लासेस जवळ बंधन बँकेशेजारी ट्रॅफिक गार्डनच्या समोर जळगाव